देखो और सब्सक्राइब में देख लो और सब्सक्राइब करो। देखो सब्सक्राइब, यही एक दोस्त है जो पहले एकदम सबसे आते हुए पहले बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो। रिसीट दो बार कैसे है भाई, चेक इतना लंबा है क्या? ईएमआई में लिया क्या पेट्रोल? तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ है गाइस, दो बार उसको मैसेज आया, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि दो बार मैसेज आया बट डिडक्शन एक ही बार होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन लोग ने पूरा ट्रांजेक्शन का लिस्ट दिया, तो वो चेक कर रहे हैं अभी कि बैलेंस कितना डिडक्ट हो गया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे नहीं जा सकते। मैंने एक सांप देखा, ब्लैक एकदम साफ सर्प। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? कैसे हैं मंडली? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्डर अर्जुन की। आई होप ऑल यू डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वजह है 6:10 और मैं निकला हूँ एग्जैक्ट टाइम पे, 6:15 तक मुझे निकलना है। आसमान एकदम साफ है, बादल नहीं है बिल्कुल, और बारिश नहीं होने वाली है। और बाय द वे, एज यू कैन सी, मैंने लंबर बेल्ट पहना हुआ है। आज लंबर बेल्ट पहनने का रीज़न ये है कि कल ही मैंने बैक एक्सरसाइज किया था, तो बैक एक्सरसाइज थोड़ा मसल स्ट्रांग रहता है, हार्ड रहता है। इसके लिए मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि मेरा स्लिप डिस्क या कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो। तो ये लंबर बेल्ट जैकेट के साथ मिला है, उसको यूटिलाइज करना है, मेरा यही रीज़न है। और लिया है तो यूज़ करना है तो सेफ्टी है, सेफ्टी अपने लिए सब आसान हो जाता है। और बाय द वे, ये जो पॉकेट है महाबलेश्वर राइड के टाइम पे, यहाँ पे अच्छे से एकदम कैमरा रहा था, इधर बिल्कुल भी भीगता नहीं है। तो जैकेट पूरा वसूल है इसमें, कि मानसून रीज़न में ये जैकेट पूरा वसूल है। आई एम यूटिलाइजिंग दिस पॉकेट एक्चुअली। और बाय द वे, मेरे साथ आज रहने वाला है रायन, जिसका एंटॉर्क है टीवीएस एंटॉर्क। निखिल एज यूजुअल डोमिनर पे आ रहे हैं। एंड चिन्मय जी भाई, एक साल बाद हम लोग राइड कर रहे हैं शायद, ऑलमोस्ट बावली डैम के बाद गायब ही हो गया है वो, कहीं दिखा ही नहीं है। तो चिन्मय का FZ है, तो हम लोग जा रहे हैं, चार राइडर्स है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मिलते हैं रोड पर। ओ बाय द वे, अभी जो लास्ट टाइम हमारा जो सरफेस चमक रहा था, वो अभी कम सरफेस चमका है, क्योंकि अभी बाल बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ओ बाय द वे, न्यू लुक कैसा लगा बताइए कमेंट, और लाइक कीजिए वीडियो को, आखिर तक देखना है ये वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मजा मस्ती। तो चलो गाइस, राइड इज रेडी, गियर्स इज रेडी, फ्रेंड्स भी रेडी रहेंगे। ऑन द वे अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूँ यार, कोई गुड मॉर्निंग रिटर्न ही नहीं करता यार, क्या करें अभी। चलो गाइस, सी ऑन द रोड। सोचा था मैं लेट होने वाला हूँ, बट अभी एक्चुअली 10 मिनट लेट हूँ, अभी तक ये लोग पहुँचे नहीं है, और इन लोग को हार्डली और 10 मिनट लगेगा। तो ये लोग 20 मिनट लेट है, मैं 10 मिनट्स लेट हूँ। सो फार सो गुड, बट थोड़ा हीट है, ह्यूमिडिटी है, पसीना छूट रहा है आज। जो अपना रायन आ रहा है, रायन खरबाओ करके रूट है, जो वसई वालों के लिए इधर से आता है, अंदर भिवंडी से रूट है वो पास है। और चिन्मय मेरे पीछे, जस्ट पीछे वाले ब्रिज पे अभी, और निखिल का आता पता नहीं है। निखिल ने मैप शेयरिंग भी नहीं किया है, शायद वो डायरेक्ट बाइक पे बैठ के निकल चुका है, पड़ा रहेगा उधर ही। सो फार अपना छोटा पैकेट फ्रॉम शिप आगे लाए रायन, इसको जानते ही हो सब लोग। नहीं देखा रहेगा तो पहले पुराने व्लॉग देखो और सब्सक्राइब, व्लॉग्स में देख लो और सब्सक्राइब करो। देखो सब्सक्राइब, यही एक दोस्त है जो पहले एकदम सबसे आते हुए पहले बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब करो। ये लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, ये खास करके, ये सिर्फ पता ही नहीं रहता है मुझे, कहाँ जाते हैं, कब आते हैं और क्या करते हैं ये लोग, ऐसा सामने से पूछना रहता है भाई ये वीकेंड राइड कर रहे क्या, अगर इंटरेस्ट है तो वैसा करना चाहिए ना। वीकडे जाते हैं और वैसे वीकडे नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आपका वीकडे झालेला ना, फिक्स झालेला ना जायचा करून। हम लोग का एक्चुअली निखिल और मेरा क्या सीन रहता है कि वीकडेज जाओ, भीड़ कम मिलती है, आराम से जाके आ जाओ, चिल करने मिलता है, कहीं पे अड़ाते नहीं है, कुछ नहीं, बैरिकेड्स वगैरह लगाए नहीं रहते, नाकाबंदी नहीं रहता है, वीकेंड में वो प्रॉब्लम रहता है। और ये भाई साहब जो है ना भाई चिन्मय, अभी ये रायन छोटा पैकेट है, बट इतना शिप पे से आया, डायरेक्ट मेरे को पूछा, पहला ही वीकेंड है इसका, सीधा बोला कि ये संडे को क्या प्लान है। मैं बोला कुछ नहीं, प्लान बनाने का, तो चलो किधर जाने का है, मैं बोला तानसा लेक जाने का क्या, हाँ बोला। उसके बाद चिन्मय ने हाँ बोला, मैंने निखिल को बोला, निखिल भी हाँ बोल दिया। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते। अभी एक बहुत ही फनी थिंग हो गया यहाँ पे दोस्तों, जो चिन्मय का FZ है उसमें हम लोग ने पेट्रोल भराया, टॉपअप किया, टॉपअप करने के बाद हम लोग को प्रॉब्लम ये हुआ, कार्ड स्वाइप किया और दो बार पैसे डिडक्ट हो गए। अभी इसको दिया है ये रिसीट पे क्या बोल रहे हैं अभी वो,
एक ही बार बोल रहे हो, दो बार कट हुआ है, बट पेमेंट इज डन ऑन टाइम। वन टाइम रिसीट दो बार कैसे है? इतना लंबा है क्या ईएमआई? ईएमआई में लिया क्या पेट्रोल? ऐसा लग रहा है पेट्रोल ईएमआई में। ट्रांजेक्शन जो भी किया है ना, इतना सारा ट्रांजेक्शन आज का आज में इतना। अरे सुबह से तू उठा रहेगा 5 बजे, इतना क्या नहीं है रे भाई। अच्छा, इसका ट्रांजेक्शन है उसका। अच्छा पेट्रोल पंप वाले की तुम लोग का कार्ड नंबर देखो, एक ही कार्ड नंबर पे 1000 रुपया। अच्छा एंड व्हाट एवर डिडक्शन इज डन, इट इज डन वंस ओनली। जो तुम मैसेज दो बार आया तो एक बार बैलेंस। अरे तो ये समटाइम्स हाँ मोबाइल ऐप में देख, पेटीएम में चेक कर, पेटीएम में रजिस्टर्ड रहेगा ना तेरा वो। हाँ तो कार्ड पेटीएम में रजिस्टर्ड, देखा टाइगर ट्रायम्फ 900 भाई। अभी ये इसको सबसे मेरे से ज्यादा है ना, इसको जल्दी है ट्रायम्फ 900 मेरे पास आ जाए। तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ प्लीज, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी अपने को देखने मिलेगा। अपने ब्लॉग में ट्रायम्फ टाइगर आना ही चाहिए, टाइगर टाइगर है। अभी ये अभी आया ना, अभी पासवर्ड डाल ना, पासवर्ड सब लोग को देखने दे। तो अभी प्रॉब्लम ये हुआ है गाइस, दो बार उसको मैसेज आया, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि दो बार मैसेज आया बट डिडक्शन एक ही बार होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि उन लोग ने पूरा ट्रांजैक्शन का लिस्ट दिया, तो वो चेक कर रहा है अभी कि बैलेंस कितना डिडक्ट हो गया। चाय पी लेते थे यार इधर, तब तक चाय की चुस्की ले लेते थे यहाँ पे। चलो चाय पी लेते, काम करते। आओ फ्रेंड्स चाय पी लो। चाय फ्रॉम चिन्मय, चिन्मय चाय, च बराबर हो रहा है। तो एक्चुअली क्या सीन है, वो बराबर है, एक ही बार कट हुआ ना या वापस रिटर्न आया? रिटर्न आया। अच्छा कट हुआ था बट वो रिटर्न आ गया, पैसा आ गया ना। पासवर्ड क्या बताना? बहुत पैसा है। मेरे कुछ पैसा नहीं है रे बाबा। चिन्मय चाय चिल्लर नहीं रखता है, क्या बोलते हैं, क्या रखते हैं, डॉलर्स रखते हैं डायरेक्ट। डॉलर्स भाई ये रखते हैं, डॉलर वाला ये बंदे, ये तो पूरा भाई पूरा वर्ल्ड करेंसी है ये। कॉइन कलेक्शन तो हो गया सर। चलो एक बार चाय की चुस्की जाते हो वापस दमन। अच्छा सर एक दिन का क्रीम वाला चाय, टेस्ट अच्छा है। ये कप ना पीने का, हाँ बड़ा बड़ा मग वाला कप चाहिए था। 250 वाली करिए का फुटे रही वाली राइट फुटे रायनी है ना बोलते हैं रायनी है ना। तुम लोग पहली बार मिला मिला है ना रे, एक साल बाद आया ना रिटर्न। चलो अभी चाय पीने दे। ये हमारा चिन्मय गाल फुगा के चाय पी रहा है, मतलब क्या बड़ा सिप ले रहा है ना। बाइक्स वहाँ पे है। फेंसिंग लगाया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पे लेक अंदर है, हमको चल के अंदर जाना पड़ेगा और बाइक्स हमारे यहाँ पे लगा है। तो हाँ चलना, मैं किधर, तुम लोग ही, मेरा सिर्फ हेलमेट हाथ में लेना है और निकलने का। चलना चलना बोल रहे हैं, मैं ये देख, ये मैं निकल भी गया, ये देख हो गया क्या, तुम लोग का भी क्या देखो भी। कोई मैं रेडी था, देख मैं बोल रहा हूँ मेरा काम हो गया, इसके लिए मैं व्लॉगिंग शुरू हो गया, मेरा बाइट लेना शुरू हुआ और क्या। चिन्मय तू इधर चलो चलो बोलेगा, उधर अंदर रॉक्स में तू थक जाएगा। ए भाई रुको ना। तो दोस्तों चलो अंदर जाते हैं, अभी लेक व्यू देखने का टाइम आ गया है। तानसा लेक बहुत ही अच्छा है, राइड बाइक राइड कर रहे हो तो ये रोड इज अमेजिंग। जैसे कि आपने देखा रोड एकदम नैरो है, एक ही लेन है, तो संभाल के चलाओ गाइस जो भी इधर आते हो।
राइडर्स लोग स्पेशली बहुत प्यार से चलाओ, अच्छा चलाओ, और अंडर 40 के स्पीड में चलाओ, बिकॉज छोटा छोटा गांव है आगे, बच्चे लोग रहते हैं, कभी कुछ जानवर वगैरह रोड पे आते हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, रोड में जो नज़ारे हैं वो नज़ारे एंजॉय कर करके चलाओ, बाकी सब बढ़िया है, मस्त है एकदम, लोकेशन इज अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है। लकड़े का बनाया रे बोट, मतलब इसको असली का बोट लग रहा है। लकड़े का ही बनाते हैं बोट। अरे वो मतलब उसको प्रॉपर बोट स्ट्रक्चर ढूंढ रहा हो, वो लकड़ा खाली बांबू डाल के रखा है। देखा ना कैसे जोकर वाली हरकतें करते हैं, जोक्स पे जोक्स, पीजे पे पीजे। तो दोस्तों ये आगे चलो, इधर क्या इधर ही थक गए। अरे आगे जाने का उधर भाई, लेक तो शुरू भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों लेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मेन चीज इरिटेटिंग ये है कि मच्छर बहुत है, टू मच ऑफ मॉस्किटोज, बट बहुत सुकून वाली जगह है सच्ची में, बर्ड्स का साउंड है अच्छा खासा, बर्ड वॉचिंग के लिए मस्त स्पॉट है, यहाँ पे पूरा जंगल है पूरा, और पानी एकदम क्लीन है, ये देखो सुपर क्लीन वाटर है, इसको अपन गंदा नहीं करने वाले, आप भी मत करना। आगे भी जा सकते हैं वैसे, अभी दोस्तों की राय लेते, इधर ही बैठना है और थोड़ा आगे जाना है, और आगे जाना है, छाव देख आगे, अरे वो देख वो आइलैंड है वो पीछे, यहाँ पे अभी एक्सपोजर ज्यादा है तो आइलैंड नहीं दिखेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने अपना फाइनल डेस्टिनेशन सेट किया है, यहाँ पे हम लोग चिल करने वाले हैं 1 से 2 घंटे विदाउट एनी केओस, शांति कायम रखेंगे हम लोग, और यहाँ पे कुछ कचरा वचरा नहीं करेंगे, बट ऑलरेडी यहाँ पे कचरा है। जो लोग ऐसे जगह पे आके कचरा करते उनसे निवेदन है कि ऐसे कचरा मत करो, यहाँ पे बहुत सारे बॉटल्स है, प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लास्टिक ग्लासेस है, कांच के बॉटल फोड़े हुए, बट क्या करें, पब्लिक पब्लिक है, समझाना हमारा काम है, हम भी पब्लिक ही है। तो बाय द वे ये है हमारा स्पॉट, चलो एक काम करते मेरा 360 रहन दीजिए, एक्सपोजर लेवल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो है ये तानसा डैम है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां पे नहीं जा सकते। फ्रेंड्स हम लोग अभी तानसा लेक पहुंच गए, और यहाँ पे हार्डली 1.5 आवर स्पेंड किया है हमने, एंड अच्छा खासा डैम का व्यू है वहाँ पे, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, डैम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एरिया है, जा नहीं सकते वहाँ पे, एंड वहाँ पे कुछ लोग जाते हुए नज़र आए हम लोगों को, हम लोग ने देखा वहाँ पे एक एंट्रेंस है, वहाँ पे एंट्रेंस पे ही रुका देते। सो फार वी हैव एंजॉयड अ लॉट, मतलब चिल कर रहे, यहाँ पे लोग भी काफ़ी आ गए अभी, एंड कोई केओस नहीं है, लाउड नॉइज एंड ऑल वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो फार तानसा लेक इज़ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एक्चुअली, एंड यू कैन हैव लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज ओवर हियर, बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बहुत साफ है, पीने का भी मन कर रहा है, बट हम लोग ने आज स्टोव नहीं लाया, उबाल के पीना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़े बहुत मॉस्किटोज है यहाँ पे, कीड़े मकोड़े भी है, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स है, वी हैड ग्रेट टाइम ओवर हियर गाइस, एंड चिल कर रहे हैं, बस 2 घंटे हम लोग का यहाँ पे अच्छा खासा स्पेंड हो गया टाइम, एंड अभी लेक का एकदम एंड पॉइंट के यहाँ पे आया हूँ मैं, उस तरफ भी लेक है, बहुत बड़ा लेक है, लेट मी शो यू। पानी हम लोग का ख़त्म हो गया है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे किसी ने पानी का बॉटल छोड़ के गया था विथ सील्ड पैक एक्चुअली, तो वी हैव कंज्यूम दैट वाटर, इट वॉज वेरी फ्रेश, बट प्लीज़ गाइज प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह लाते हो तो डू नॉट लिटर ओवर हियर,
इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो फार हम लोग ने एक अंडा चपाती लाया था, मतलब ऑमलेट चपाती लाया था चिन्मय ने, वो हम लोग ने खा लिया। सॉरी हम लोग ने बताया नहीं। चालू है कुछ तो बकबक करो। चालू बकबक करने वाला तेरा काम है। यही है वो चेहरा, गौर से देखो इस चेहरे को, चेहरा छुपाने वाले काम करते हैं हरकतें। देखो ये छोटा बच्चा है ना, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका अपना कैमरा करता है, ये नहीं करते बड़ा धमाका। तो अभी एक्चुअली सीन ऐसा था कि एंटॉर्क मैंने चलाया, एंटॉर्क इज रियली वेरी नाइस बाइक एक्चुअली, बहुत मजा आया मुझे। ABS जैसा फील लगा, बट ABS नहीं है इसमें, ABS जैसा ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग इज अमेजिंग एंड इवन हैंडलिंग नेक्स्ट लेवल यार। मेरे को वो स्विंग वाला वो मस्त ऐसा ऐसा चल रहा है, अलग फील है इसका, ऐसा वो सस्पेंशन कुछ अलग फील आ रहा था मुझे कि टिल्ट जो हो रहा है एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स है। हैंडलिंग इज अमेजिंग, ब्रेकिंग अल्टीमेट है। जो भी स्पीड ब्रेकर आ रहा था मैं उस पर जंप नहीं कर रहा था, एरर कहीं पर भी राइडिंग एरर नहीं होता है जो मेरे बाइक पे होता है, कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता है। लाइक दिस इज द एग्रेसिव बाइक, दिस इज परफेक्ट है टूरिंग के लिए भी, मस्त है वो सीरियसली। सस्पेंशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नहीं मेरे को नहीं लगता है, उड़ता है वो तो हर एक नॉन गियर बाइक्स को वैसे ही होता है। और एक बस दोस्तों बहुत अच्छा व्यू मिला अभी एंड आई फील लाइक दिस इज अ गुड लक राइड फॉर मी बिकॉज मैंने एक सांप देखा, ब्लैक एकदम सांप सर्प केला एंटॉर्क चला रहा था। हालांकि एक्चुअली लंच लाने गया था मैं इन लोग के लिए, बट वड़ा पाव कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अटगांव स्टेशन डायरेक्ट आधा घंटा दूर है, खाली आया 20 मिनट, खाली हाथ ही आना पड़ा। कुछ भी खाने के लिए यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप आ रहे हो तानसार लेक के यहाँ पे, आप पिकनिक स्पॉट के लिए आ रहे हो, तो वन डे आपको यहाँ पे टिफिन अनिवार्य है, टिफिन लाना जरूरी है, खाने का स्नैक्स आइटम लाना जरूरी है, बट यहाँ पे लिटर करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आए, कहीं कहीं पे इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स है कि बहुत सारे जगह पे फैमिलीज ने कार पार्क किया है, फोटोग्राफी चालू है, जंगल एरिया है, पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग खाने के लिए निकल रहे और टाइम हुआ है 1:35। काफी क्लाउडी वेदर हो गया है, जो विंडी एटमोसफियर था वो यहाँ पे अभी नहीं है, फिर से ह्यूमिडिटी बढ़ गया, पसीना छूट रहा है और अभी हम लोगों को भूख लगा है। हम लोग अभी खाना खाते हैं और डायरेक्ट आपको घर पे मिलते हैं। सो दोस्तों आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अभी फिर से जोश आ रहा है बिकॉज DJI जो इतना साथ दे रहा है। बाकी एवरीथिंग वॉज फाइन, वापस आने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं हुई। जस्ट ओनली थिंग इज हम लोग गलत टाइम पे निकले थे और धूप तेज थी, एकदम कड़क धूप थी। तो हम लोग को जहाँ पे भी हम लोग ने खाना खाने के लिए रुके वहाँ पर हम लोग को बहुत पसीना छूटा भाई, एकदम गंदा वाला पसीना। ह्यूमिडिटी लेवल इतना हाई हो गया ना कि आई वुड रिकमेंड ये कमिंग वीकेंड आप कहीं जाओ भी मत, घर पे एसी में बैठे रहो, बहुत गर्मी शुरू हो गई है। बस एक दो हफ्ता निकल जाने दीजिए। तो जुलाई एंड तक रुकी है, जुलाई एंड लास्ट वीकेंड रहेगा ना, उस टाइम तक बारिश आने की संभावना है। अपने अभी ट्रैवल व्लॉग अच्छे खासे शुरू हो चुके हैं और बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो मतलब बारिश का मौसम आ चुका है, बारिश के मौसम में अच्छे वीडियोस बनाने का मजा ही कुछ और है, मतलब खतरनाक दृश्य मिल जाते हैं, नेक्स्ट लेवल दृश्य। एनीवेज गाइज यहाँ पे ही मेरा वीडियो कंक्लूड कर देता हूँ, यानी कि एंड कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड शीघ्र मुलाकात होगी। अलविदा दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड बाकी सब ठीक है। फिलहाल ठीक है बोलता हूँ क्योंकि अपने सपने बहुत है, तो उस लेवल के अभी फिलहाल ठीक है, चलता है। ऐसा काम कर कैमरा में भी बोलने का और तेरा भी जो बोल रहा है तू भी सुनने का और उसको भी रिस्पॉन्स करने का, फिर मेरे को बता फापल्ला किधर है और क्या किधर है। करना तेरा टैलेंट ही नहीं है वो, सच्ची बात बोले तो टैलेंट नहीं है तुझ में, छोड़ तेरे बस का बात ही नहीं है। क्या बोलते रहे, रिक्वेस्ट को एक हिंदी शब्द बोलो, अच्छा एकदम सांस्कृतिक टाइप, निवेदन है ना।